प्रदेश से दिल्ली कार से गांजे की खेप लेकर जा रहे कार चालक को गिरफ्तार किया गया है। कार से करीब 14,89,000 रुपए का गांजा बरामद किया गया है। कार से फेनिराइन मेलमेट नामक एलर्जी रोधक इंजेक्शन, 6 बोरी गांजा व अन्य सामग्री सहित करीब 24 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। आरोपी कार चालक का नाम जावेद अहमद नईम अहमद सुल्तानपुरी दिल्ली निवासी है। उसके खिलाफ बेलतरी थाने में मादक पदार्थ की तस्करी करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जावेद दिल्ली में एक कबाड़ी की दुकान में वाहन चलाता था। लॉकडाउन में कबाड़ का काम बंद होने से वह कार से गांजे की तस्करी करने लगा। पुलिस के अनुसार 29 अगस्त को बेलतरोड़ी के वरिष्ठ थानेदार चंद्रकांत यादव को गुप्त सूचना मिली कि एक कार से गांजे की खेप दिल्ली ले जाई जा रही है। यह कार आंध्र प्रदेश से आ रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर कार क्रमांक MP19CB9023 को वर्धा मार्ग पर रोका। कार की तलाशी लेने पर 6 प्लास्टिक की बोरियों से करीब 100 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी कीमत करीब 14,89,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने कार चालक से 2 मोबाइल फोन, नकदी 2010 रुपए, फेनिरामाइंड मेलेंट इंजेक्शन की 8 शीशी जब्त की, जिसमें 6 शीशी पूरी भरी हुई थी, एक आधी भरी और एक खाली शीशी मिली। इसके अलावा कार से 4 पैक बंद सीरिंज, 1 उपयोग की गई सीरिंज, 20 नीडल्स के सील बंद पैकेट भी मिले। इसके अलावा कार चालक से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान कार्ड, बैंक ATM कार्ड, गांजा व कार सहित कुल 24 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी पर बेलतरोड़ी थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। सर, आता बेलतरोड़ी PS अंतर्गत गांजाची कारवाई झाली आहे। नेमकी कितीचा गांजा होता, किती कुठून आलेला होता, कोणाला विकायचा जात होता, कितीचा मुद्दा होता, काय सांगता? काल सकाळी आम्हाला 5:15 खबर मिळाली की हैदराबाद वरून एक क्रेटा गाडी नंबर MP19CB9023 ही गाडी दिल्लीला चाललेली आहे आणि त्यामध्ये गांजा आहे। तर त्यानुसार आम्ही 5:30 सुमारास ट्रॅप लावला असता तर ती गाडी 6:30 पांझरी टोल नाक्याला पास होऊन आमच्याकडे आली। त्यावेळेला त्या गाडीला पकडलं, तर त्या गाडीतला पकडल्यानंतर त्या चालकास विचारपूस केली असता तो थोडा घाबरलेला दिसला। मग त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्याने आपल्याकडे गांजा असल्याचं सांगितलं। मग आम्ही गांजाकडून पाहिलं तर जवळजवळ गांजाची आम्ही घटनास्थळावर जाऊन 2 पंचासमक्ष पंचनामारीला रितसर कारवाई केली। त्यामध्ये आम्हाला 99 किलो 330 ग्रॅम एवढा गांजा मिळाला आणि त्याची किंमत आहे 14,89,950 रुपये। मालकाचं तरी हैदराबादवरून आलेला होता, हैदराबाद विशाखापट्टणम या एरियातून आलेला होता आणि तो जाणार होता दिल्लीला। तर त्या गांजाचा मालक त्यांनी फक्त त्याला गोलू म्हणून सांगितले, त्याला डायरेक्ट मालकाचं नाव आणि पत्ता माहीत नाही, फक्त गोलू म्हणून सुलतानपुरीला आहे असं त्या आरोपीने आम्हाला सांगितलेलं आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।